पंजाब का त्योहार है लोहड़ी। मकर संक्रांति के एक दिन पहले आती है, यानी कि 13 जनवरी को वह मनाए जाते हैं। उस दिन हम नए नए कपड़े पहन के रात में खुले मैदान में आग जला के उसके चारों तरफ घूमते हैं। उसमें हम गुड़, फूल, मक्के के दाने आदि डालते हैं। सुंदर मुंदरिये तेरा कौन बिचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले की ब्याई, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे। आंदियां ने लोड़ियां मनांदियां ने जोड़ियां, भैणां पईयां गाउंदियां भरावां दियां कोड़ियां, जोड़ियां दे शगन मना। जदों ए आउंदी ए लोड़ी बड़ा जी लाउंदी ए लोड़ी, लाड मलारां दी लोड़ी, मोहब्बतां प्यारां दी लोड़ी, ए लोड़ी सेकण दे सानू नजर पर वेखण दे सानू, ए लोड़ी सेकण दे सानू नजर पर वेखण दे सानू। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू में बहुत ही धूमधाम से 13 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष मनाने जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। रवि की फसल पकने की खुशी में लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। यह पंजाब में फसल कटाई के मौसम और सर्दी के मौसम के अंत के तौर पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले उत्तर भारत के पंजाब राज्य में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा यह त्यौहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी मनाया जाता है। पंजाबियों के लिए इस त्यौहार का अधिक महत्व है। लोहड़ी के कुछ दिन पहले से ही छोटे छोटे बच्चे लोहड़ी के गीत गाकर लकड़ी, रेवड़ी, मूंगफली को इकट्ठा करने लग जाते हैं।
लोहड़ी की शाम को आग जलाई जाती है, जिसके चारों तरफ चक्कर काटते हुए नाचते गाते और आग में रेवड़ी, मूंगफली, गजक, मक्के के दाने की आहुति देते हैं। A very good morning to respected Principal Ma'am, Director Sir, teachers and my dear friends. Today, ISID Pitpal of Class 8 is going to deliver a speech on Lohri. Lohri is a popular Punjabi festival celebrated with fun and joy. It is celebrated in the state of Punjab, Haryana and the national capital Delhi region. Lohri is celebrated on the last day of winter solstice. On the next day of Lohri, Makar Sankranti is celebrated in the northern parts of India. Mainly, the festival celebrates the harvest of winter. People wear new clothes and sing, dance around a large bonfire to celebrate. It is like a large community gathering after sunset and Lohri songs are sung. Also, arrangements for community meals are made at some places. The limits. The festival celebrates the beginning of warmer days and exit of cold, harsh winter. People rejoice around the bonfire knowing that the oncoming days are brighter, sunnier and longer. Thank you and happy Lohri.